बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार प्रत्याशी अपने क्षेत्र का दौरा करना भी शुरू कर दिए हैं। हम अभी हैं महाराजगंज के चरौली में गिरी टोला में, और गिरी टोला में इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर देवरंजन सिंह जो लोजपा के प्रत्याशी हैं और ये लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं। बात करते हैं कि आखिरकार लगातार जो जा रहे हैं किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। सर, आप जनता के बीच लगातार पहुँच रहे हैं, क्या किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जनता का प्रबल समर्थन मिल रहा है। जन सहयोग और जन आशीर्वाद से मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास है मुझे कि 2020 के इस चुनाव में जनता का मुझे संपूर्ण समर्थन मिलेगा और मुझे सदन में भेजने का काम लोग करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा प्रमुख? सबसे बड़ा मुद्दा तो है बिहार में बदलाव का। बिहार में अब एक नई सरकार चाहिए। 15 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनको आराम करना चाहिए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री को मौका मिलना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है मेरा, जो यहाँ के स्थानीय विधायक जिसने 5 वर्षों से जन सहयोग का कोई काम नहीं किया है, जनता का कोई काम नहीं किया है, उनको हटाना और महाराजगंज को विकास के रास्ते पर फिर लाना, महाराजगंज में किसानों और युवाओं की समस्या को सरकार के सामने उठाना, महाराजगंज को जिला बनाने की समस्या को सामने उठाना, सरकार के सामने आवाज़ उठाना, इन सब मुद्दों को लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। आप जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन लोजपा के साथ साथ आपके साथ बीजेपी के भी पदाधिकारी लोग साथ में चल रहे हैं, आपके पक्ष में वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता, भाजपा के सभी नेता और भाजपा के सभी वोटर इस समय इस लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के भी यहाँ पे पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप देवरंजन जी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं डॉक्टर देवरंजन जी के सपोर्ट में वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने भाजपा को 5 साल में पूरा तैयार करके रखा था, लेकिन जो वर्तमान विधायक है वो यहाँ पे भारी आक्रोश है उसके खिलाफ। टिकट बंटवारे में लोगों ने बहुत गलती की है, कुछ लोग अपना मनमानी किया और गलत ढंग से टिकट को बंटवारा किया है। और हमारा एलजेपी के साथ तो बहुत बढ़िया गठबंधन है, नीतीश कुमार के पहले से गठबंधन है, केंद्र में अभी भी हमारा उनके साथ सरकार चल रहा है। तो अभी झारखंड में जो चुनाव हो रहा है वहाँ भी तो साथ में ही एलजेपी सपोर्ट कर रहा है बीजेपी के। और जितने भी धारा 370 हो, 35A हो, 3 तलाक हो, कई सारे जितने भी सदन में बिल पास हुए उसमें हम लोग लगातार, हम लोगों को जो सपोर्ट मिला वो एलजेपी के साथ से खुलेआम सपोर्ट मिला और नीतीश कुमार ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया। तो ये तो एनडीए के साथ उनका गठबंधन है ही, भले नीचे के प्रदेश स्तर के लोग कुछ कह रहे हैं तो उनके बातों को हम लोग नहीं मानेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात को लेके चलेंगे, अमित शाह के बातों को लेके चलेंगे। अभी हमारे जो गठबंधन के साथी हैं चिराग पासवान, वो बोल भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसते हैं, और यहाँ पे भारी आक्रोश है वर्तमान विधायक के खिलाफ, इसलिए हम लोग डॉक्टर देवरंजन सिंह के साथ में हैं और यहाँ से ही जिता कर हम लोग पटना विधानसभा में भेजेंगे। बिल्कुल, तो ये थे भाजपा के पदाधिकारी थे। हालांकि यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस बार अपना विधायक किस तरह के चुनना पसंद करेंगे, क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, बोलना ये चाहते हैं कि अभी मतलब ये टिकट को लेकर के बहुत समस्या है, तो इसमें जो है मतलब हमारे ये देवरंजन बाबू पहले बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो इनको मतलब टिकट मिलना अनिवार्य था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। जो भी है, हम लोग अब लोजपा को वोट देंगे और देवरंजन बाबू को जिताएंगे। आखिर देवरंजन बाबू ही क्यों? ऐसा है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन है, ये बात ठीक है, लेकिन जो हमारे मतलब अभी पूर्व विधायक थे यहाँ, वो केवल वादे करते हैं, काम करते नहीं हैं। यहाँ से आप कहीं भी जाइए, केवल मतलब शिलान्यास कर चुके हैं, अपना नाम बैनर लगवा दिए हैं, लेकिन कोई अगर काम अगर कर दिए हो तो जो भी आप बोलिए वो हम मानने के लिए तैयार हैं। कोई काम किए नहीं है, केवल उनका बैनर लग चुका है कि हाँ ये मतलब श्री विधायक मतलब ये फलाने, और बोर्ड लग गया, उद्घाटन हो गया, वो पेपर में रोज आता था,
कि मंचोपरांत का मतलब मंत्र और विधि पूजा के साथ में शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, लेकिन परंतु ये भी संभव नहीं है कि हाँ उसमें मतलब ईट बालू गिट्टी या मतलब रोड बना हो। यहाँ आप मछगड़ा जाइए, बोर्ड लगा है, केवल बोर्ड लगा है, मछगड़ा जाइए, कौड़िया जाइए, खरमा जाइए, यहाँ मतलब ये हमारे मतलब विधायक के जीतने के पहले का ये रोड है, ये देवरंजन बाबू का देन है और वहाँ भी उनका बोर्ड लगा है। ये देवरंजन बाबू का देन है कि ये रोड हमारा यहाँ से मतलब लाल मोड़ पर से लेकर के भीकमपुर बाजार तक बना है। क्या इस बार आप बदलाव चाहते हैं महाराजगंज में? महाराजगंज में बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम। जो हमारे बीच में देवरंजन बाबू का देन है कि ये रोड पास कराए और रोड बनवाए और एम नारायण जी का नाम लिखा गया, यहाँ भी धोखा किया गया और हमारे गांव में माने देवरंजन सिंह ही द्वारा जो भी काम हुआ उनके द्वारा हुआ है। और पहला नंबर तो है कि मोदी जी की सरकार है। अब मोदी जी ने विश्व लेवल का जो आज 200 वर्षों से झगड़ा चल रहा था जो मोदी जी के राज में जाके सफल हुआ, जो माने विश्व जो बाबरी मस्जिद और वो क्या कहते हैं राम मंदिर इस सब जाके मोदी जी के राज में सफल हुआ है जाके। इसलिए हम लोग लोजपा चिराग पासवान के साथ और देवेंद्र बाबू के साथ हम लोग मिलकर उनका समर्थन करेंगे, वोट देंगे। तो ये ग्रामीण थे, यहाँ के स्थानीय लोग थे और इनका साफ कहना है कि जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं वो केवल बोर्ड लगाए हैं और विकास नहीं किए हैं। तो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश में लोग यहाँ पे हैं और इस बार महाराजगंज में बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में डॉक्टर देवरंजन सिंह को यहाँ से विधायक बनाना चाहते हैं। अब आने वाला समय और वक्त बताएगा कि यहाँ के महाराजगंज के विधायक कौन बनता है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए विजय कुमार शिवान।